नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहां प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा का स्तर सुधारने का भरसक प्रयास कर ले, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने वाले शासकीय शिक्षक और शिक्षा अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। हालात यह है कि स्कूल खुले हुए करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है और मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण लाल भवन के पीछे संचालित शासकीय कन्या विद्यालय में देखने को मिला है। इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन क्लास 7th के सेक्शन बी की छात्राओं का कहना है कि अभी तक उनके मैथ सब्जेक्ट के टीचर ने उनका मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा नहीं पढ़ाया है और 20 सितंबर से तिमाही की परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, कैसे इन विद्यार्थियों का भविष्य बनेगा? छात्राएं गणित के पेपर को कैसे हल करेंगी? ये सोचने का विषय है। वहीं इस विषय में हमारे संवाददाता ने जब स्कूल के प्रभारी प्राचार्य संजीदा बानो से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में मैथ सब्जेक्ट के 2 टीचर पढ़ाते हैं और दोनों ही टीचर स्कूल से नदारद रहते हैं। हमने गणित के शिक्षकों की लापरवाही की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुँचाई है, लेकिन अभी तक संबंधित शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई करने से शिक्षा विभाग कतरा रहा है। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मतलब राज नारायण भार्गव और निर्मल जैन ये भी गणित के पीरियड लगे हैं जिन्होंने अभी तक शुरू से नहीं लिए हैं, है ना। और वो आदि की लगे रहते हैं और बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। हम खुद उसमें है, मतलब ये कैसे भी कसाब हो इनका, लेकिन ये नहीं मानते, बल्कि हमसे अभद्रता करते हैं और पढ़ाने नहीं जाते। अगर समय से भी नहीं आते स्कूल, आप देख लीजिए, आप निर्मल जैन अभी तक नहीं आए, 9:30